मणिपुर के थौबल में भारतीय सेना के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर को उनके घर से ही अपहरण कर लिया गया। अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों द्वारा जेसीओ के अपहरण की सूचना दी है। बीते साल मई में भड़की जातीय हिंसा के बाद ये इस तरह की चौथी घटना है। अधिकारियों के मुताबिक जेसीओ की पहचान चरणपत मामंग लेकाई निवासी कोनसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। वो शुक्रवार को छुट्टी पर थे। इस दौरान सुबह 9 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर में घुस आए और उन्हें कार में लेकर अपने साथ फरार हो गए। अधिकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि कोनसम खेड़ा से अपहरण करने वाले लोग पैसा ऐंठना चाहते थे, क्योंकि उनके परिवार को पहले भी ऐसी धमकी मिल चुकी है। हालांकि अभी जेसीओ के अपहरण की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। सितंबर 2023 में असम रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक सर्टो थांग थांग कोम को घाटी से एक अज्ञात सशस्त्र ग्रुप ने अपहरण कर लिया था। बाद में उनकी हत्या तक कर दी। वो डिफेंस सर्विस कोर में मणिपुर में लीमा खोंग में तैनात थे। इसके बाद अज्ञात बदमाशों ने चुराचांद पूर्व से लीमा खोंगा के बीच एसयूवी में यात्रा कर रहे चार लोगों को किडनैप किया और उनकी हत्या कर दी। ये चारों लोग जम्मू कश्मीर में सेवारत भारतीय सेना के एक जवान के परिवार के सदस्य थे। वहीं 27 फरवरी को मणिपुर पुलिस के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के घर पर हमला हुआ। एसएसपी के घर पर हमला करने के बाद हमलावरों की पहचान कट्टरपंथी मैतई समुदाय के आरामबाई तेंगोल के रूप में हुई। बीते दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच बीते साल अगस्त में भारतीय रिजर्व बटालियन से हथियार और गोला बारूद लूटने के 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में दायर किए गए आरोप पत्र में लैशराम प्रेम सिंह जैसे कई और अनेक नाम शामिल हैं जिन्हें नामित आरोपी बनाया गया है। लेकिन मणिपुर के बिगड़े हालात अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि मणिपुर से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो काफी चिंताजनक हैं। और इन सब खबरों के बीच अब खबर ये कि एक भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि जेसीओ को 8 मार्च 2024 को उनके घर से ही किडनैप कर लिया गया है। उनका पता लगाया जा रहा है, कोशिशें तेज हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।